तो हमने क्या करा, हमने कॉल करा एक जगह पे कि भाई हमारे को पोर्स चाहिए लाल कलर की शूट के लिए, शूट के लिए। तो उसने बोला इतने इतने पैसे लगेंगे, तो हमने बोला कि ट्रिगर्ड इंसान का शूट है, तो उसने फोन काट दिया। वो मैं जिसने कॉल करा था वो हैरान हो गया, भाई क्या चल रहे हैं। एकदम से उसके मालिक का कौन आया, कॉल आया मालिक का, कहता है भाई ट्रिगर्ड इंसान से और उसके परिवार से एक बार मेरे पूरे परिवार को मिलवा दो, चाहे पूरा शोरूम खाली कर दो, सारी गाड़ियां ले जाओ, बस फोटो खिंचवा दो। ओके मम्मी, जिम जा रहा हूँ। ना क्या हुआ? जिम? हाँ ना बेटा, ना मसल्स फिट हो जाएंगे। यस, फिट होने के लिए जिम जा रहा हूँ मैं। वैसे तो मैं बहुत ही ज्यादा फिट हूँ ऑलरेडी, मतलब सीरियसली पापा आई एम ऑलरेडी फिट, बट फिट रहने के लिए जिम जा रहा हूँ। मम्मी बंद कर लो। आज मैंने सोचा क्यों ना जिम ब्लॉग किया जाए थोड़ा सा, बहुत टाइम हो गया मोटिवेशन नहीं दी ना, आज सबको मोटिवेशन देंगे, जिम जाएंगे, लेट्स गो। तो गाड़ी में मैं बैठ नहीं लगा था, देखो पर साइड में ना इनको देखो, ओए 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 ओए, क्या खाने की कोशिश कर रहा है। ऑल राइट, तो रेडी हैं हम जिम जाने के लिए, जिम करने के लिए। मास्क लगाना अब ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि केसेस फिर से बढ़ने लग गए हैं, तो आप भी मास्क लगाइए और हेल्दी रहिए, जिम जाइए। बाय गॉड, दोनों तरफ लोगों ने गाड़ियां लगा रखी हैं, यहाँ से निकालना ही इतना मुश्किल है ना गाड़ी को। एक तो असली मेहनत तो यही है इस अपार्टमेंट में, गाड़ी को कैसे निकालोगे तुम बिना ठोके, निकल ही नहीं सकती। ये देखना, जगह ही नहीं है इतनी कि ये निकल जाए एक बारी में। सीरियसली देखना कितनी पास है गाड़ी, किसी भी वक्त टच हो जाएगी, और इधर से भी सामने से ऑलमोस्ट टच होने वाली है, इधर से भी टच होने वाली है। इस गाड़ी को निकाल पाना ही दुनिया की सबसे बड़ी मेहनत है भाई। बस टच होने से चुम्मी होने वाली है, चुम्मी होने वाली है, चुम्मी नहीं हुई, ये निकाल दी। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। मैं वो इंसान हूँ जो गाड़ी में जिम आता है गाइज, मैं अपने घर से 10 मिनट दूर जिम आता हूँ गाड़ी में, और फिर उसके बाद उतर के ट्रेडमिल पे भागता हूँ। शुरू होगा। ट्रेडमिल डन। ओके फाइनली आई एम डन विद एक्सरसाइजिंग, हो गया खत्म। बहुत दिनों के बाद आया था इसलिए मिक्स करें सारे बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज करिए, अब शरीर खुली है, कल से प्रॉपर एक्सरसाइज शुरू। और बाहर अभी 5 बज रहे हैं, माय गॉड इतनी तेज बारिश, बारिश में ही चलूँगा, फोन गीला हो गया तो फोन खराब हो जाएगा। हाँ ये फुल बारिश में भागना पड़ेगा लग रहा है, मेरी गाड़ी भी दूर खड़ी हुई है, अगर ये फोन गीला होके खराब हो गया तो रेस्ट इन पीस। सारे देख रहे हैं कि भाई ब्लॉग कर रहा है, गाड़ी तक तो मैं पहुंच गया। अंकल हमको भी छाता दे दो, थैंक यू अंकल। वैसे मेरी गाड़ी सामने ही खड़ी हुई है, बैठो गाड़ी में। हाँ आ जाओ आ जाओ, अंकल से हेल्प लेके आ रहा हूँ मैं, थैंक यू अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अंकल की हेल्प लेके मैं गाड़ी में बैठ तो गया हूँ। एक तो पता नहीं दिल्ली में कौन से मौसम की बारिश शुरू हो गई आजकल, बेमौसम की, और ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। हो जा, हो गई हो गई हो गई, मुझे कसम से अब तो डर लगता है कि गाड़ी पता नहीं कब बंद हो जाए। जबरदस्त बारिश हो रही है, वो अंकल हमें छतरी में गाड़ी तक पहुंचा के पता नहीं कहाँ चले गए हैं, बट जो भी है आज का मौसम बहुत प्यारा है। एंड बाय द वे अभी टाइम सिर्फ 5 बज रहे हैं, 5 भी पूरे नहीं बजे, 4:58 हुए हैं, वो देखो ध्यान से, दिल्ली मौसम ओपे है। बाय गॉड, मैं तो गाड़ी लगा रहा साइड में, इतना ज़्यादा प्यारा मौसम हो रहा है, मैंने सनरूफ भी खोल लिया है ठीक है, और मैंने गाड़ी भी साइड में लगा ली है। मैं नहीं जा रहा घर, मैं थोड़ी देर जब तक बारिश हो रही है यहीं पे एंजॉय कर रहा। द वेदर इज वेरी ब्यूटिफुल,
मैं अब गाड़ी चलाते चलाते रिकॉर्ड नहीं करता, इसलिए मैंने गाड़ी साइड में लगा लिया. पर भाई इट इज सो प्रिटी, इट इज सो ब्यूटीफुल. अरे सनरूफ भी खोल लिया मैंने, ये खोल लूँ क्या, शीशा खोल लूँ? नहीं 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 नहीं, गिली हो जाएगी गाड़ी. इतना एडवेंचर नहीं करते, रहने देते हैं. हाँ ये तो मैं एंजॉय कर ही रहा था, बारिश के मजे ले रहा था, और माता जी का फोन आ गया है कि 2.25 घंटे हो चुके हैं तेरे को जिम गए हुए, अब तो घर आ जाओ. तो इसलिए अब मजे लेना कैंसल, नाउ गोइंग बैक होम. यार घर तो मैं पहुंच गया, पर बारिश तो अभी भी उतनी की उतनी तेज ही है, उल्टा ज्यादा तेज हो गई है. अब ऐसे ही भागना पड़ेगा. ऑलराइट, टाइम टू रन, 3, 2, 1 भागो. बहुत तेज है बारिश यार. मुझे ये भी नहीं पता कि रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है तो कैसा रिकॉर्ड हो रहा है, आवाज जा रही है नहीं जा रही है. यार कितना ब्यूटीफुल वेदर है, वाऊ भैया वाऊ, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है. अबे छपरी शीशा खोल, तू क्या कर रहा है? मुझे बारिश नहीं लगती, मजा आ रहा है बारिश में भीग के. भाई हम तो वेट कर रहे हैं बारिश रुकने का. तुम बारिश रुकने का वेट कर रहे हो, हम बारिश में भीग रहे हैं, हम भैंसे भी गीले हैं पसीने में. वाओ, इस वीडियो का टाइटल तो रचे निश्चय ने किया, बारिश में डांस करते रहे. बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा. अरे वैसे लेजिट मेरा मन तो बहुत कर रहा है नहाने का बारिश में, पर पसीने के ऊपर अगर नहा लिया मैं तो फिर कल की वीडियो होगी निश्चय हो गया फिर से बीमार. तो इसलिए चुपचाप घर पहुंचते हैं. बाय द वे 5:15 हो चुके हैं और मैंने सुबह से लेजिट कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला खा के जिम गया था. और 5 बज चुके हैं शाम के. अब मम्मी बहुत डांटेंगी, देखना यही बोलेंगी, बिना खाए पूरे दिन रह लेता है, जिम करता है, बीमार ही होगा. मामे घर आ गया. मामे बड़ी जल्दी आ गया, सिर्फ 2.5 घंटे लगा के. लोगों का रात के खाने का टाइम हो रहा है और इस लड़के ने अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं करा है, सुबह से कुछ नहीं खाया. क्या बोला था, घर घुसते ही मम्मी बोलेगी सुबह से कुछ नहीं खाया है, बीमार ही होगा. देखा अपनी मम्मी को, मैं जानता हूँ ना. ओ भाई आज तुम कहाँ पे रेडी होके निकल ले हो हैं? आज अपन चल रहे हैं गाइस वीडियो शूट पे, बस्ती का हस्ती में. पीछ ऑन बेबी, पीछ ऑन बे, क्या था, पीछ ऑन, पीछ ऑन बेबी है. कौन से शूट पे जा रहे हैं? मैं एक सीक्रेट शूट पे जा रहा हूँ. इसके सारे ही शूट इतने ज्यादा सीक्रेट क्यों होते हैं मुझे नहीं समझ आया. और आप यहाँ पे खड़े होके क्या इतना मुस्कुरा रहे हो? हमारी हर एक वीडियो एक फेस्टिवल होती है. फेस्टिवल? आहा, एक से एक वीडियो. पिताजी अपने खुद के ही एंग्री वाले पोज में, ये पता नहीं क्यों इतना ज्यादा गुस्सा है. एक्चुअली पेमेंट थोड़ी कम आई है इस बार, परेशान है. अरे यार अब्बू तू एक बहुत मस्त स्टोरी बता रहा था ना, वो बताता क्यों नहीं है? तो गाइस फाइनली मुद्दतों के बाद, सालों के बाद हमने तुम मेरे 2 के शूट के लिए लोकेशन फाइनल कर दिया है. और हीरो तुम मेरे 2 में, हीरो तो मैं ही हूँ, मेरी पर्सनालिटी हीरो वाली है ना. तू हीरो है, तू साइड रोल में ठीक रहेगा. मैं साइड रोल में हूँ तुम मेरे 2 में. ओके तो क्या हुआ, अभी हमारी गाड़ी फाइनलाइज हो गई है, ठीक है. तो हम लेने वाले एक लाल कलर की पोर्श. ओके ठीक है, पोर्श खरीद रहे हैं हम. खरीदने वाले तो हमारा लेवल नहीं है अभी. वाओ गाइस वाओ, हम लाल कलर की पोर्श ले रहे हैं शूट के लिए भाड़े पे. मतलब लेवल तो है हमारा लाल कलर की पोर्श लेने का, बट हमारे पास अभी परमिशन, पापा को कन्विंसिंग पावर्स कम है हमारी. पापा ने फॉर्च्यूनर लेने दी, उसके बदले हैरियर लेके दिए. हम 3 लोग मिलके एक बंदे को कन्विंस नहीं कर सकते. दुनिया तारीफ कर रही है जिसका, कल उसने भी क्या बोला, हमारे आर्किटेक्ट ने. हाँ क्या बोला, अभी बहुत धाकड़ गाड़ी है. तो हमने क्या करा, हमने कॉल करा एक जगह पे कि भाई हमारे को पोर्श चाहिए लाल कलर की शूट के लिए. शूट के लिए तो उसने बोला इतने इतने पैसे लगेंगे. तो हमने बोला कि ट्रिगर्ड इंसान का शूट है, तो उसने फोन काट दिया. वो जिसने कॉल करा था वो हैरान हो गया, भाई क्या चल रहा है. एकदम से उसके मालिक का कौन आया, कॉल आया मालिक का, कहता है भाई ट्रिगर्ड इंसान से और उसके परिवार से एक बार मेरे पूरे परिवार को मिलवा दो, चाहे पूरा शोरूम खाली कर दो, सारी गाड़ियां ले जाओ, बस फोटो खिंचवा दो. तो बस फिर ये तो थक लाइफ हो गई. थक लाइफ हो गई. अब लाल कलर की पोर्श फाइनल करती है. अब ये अब निश्चय हमारा मॉडल है.
अब ये सोचो इसके साथ लड़की फाइनलाइज करनी है अभी कल बहुत। चल कोई नहीं, कार फाइनलाइज हो गई ना, बहुत है। मम्मी के लिए वीडियो का टाइटल आ गया, तुम मेरे टोकी गाड़ी पोर्श फाइनलाइज हो गई, लाल कलर की पोर्श। बट सीरियसली उसने क्या बोला, कोई भी गाड़ी ले जाओ। अरे उसने अभी हमारा जो डायरेक्टर है वो गया, कह रहा जो है वो ले जाओ, जो ले जाओ, बस जो मर्जी बस मिलवा दो, कह रहा बस मिलवा दो, आ जाओ यार मिल लो और एक दो पोर्श गिफ्ट भी कर दो। और उसने पैसे मांग लिए तो फिर पापा का मुंह देखना कैसे ऐसे पापा भी ऐसे है फिर